जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का षष्ठम अध्याय। दत्तात्रेय ने कहा, ये राजन, माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में बैसद नगर में कुबेर के समांग धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत क्रिया करने वाले ब्राह्मण व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गऊ भैंस घोड़ा आदि पशु पालता तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल साग मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हेमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 1/6 भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रत अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में वैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्कर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन गए। गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का तिलक लगाए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद रहते थे। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुलीं। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय के डर से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहाँ वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहाँ बड़े भाई को सिंह ने खा लिया। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन में उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुँचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसी आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुरवाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधारकर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। तो भक्तों, यह था माघ मास का 6ठा अध्याय, 6ष्ठम अध्याय। जय माता दी।